लास्ट वक्त मैंने देखा था कि मैं सब्जी मंडी पे उतर के फिर कैब करके मैं चला गया दिल्ली एयरपोर्ट, और फिर उसके बाद मैं अंदर गया और फिर सब कुछ चेक होने के बाद मेरे को लग रही थी भूख, तो मैंने ऑर्डर किया सबवे, और अभी मेरा सबवे आने वाला थोड़ी देर में, और मैंने ऑर्डर किया पनीर टिक्का, तो देखते कैसा होता है। चलो अब इसको खा के देखते हैं कैसा है ये। तो सबवे तो मैंने खा लिया था और वो वाकई में काफ़ी टेस्टी था। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। और बज चुके हैं रात के 1:40 और 2 बजे मेरी बोर्डिंग है। 20 मिनट्स का लेफ्ट एंड बीएसएल बटिंग। तो अभी बोर्डिंग पास चेक हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्लेन की तरफ। मैं बता दूँ कि मैं पहली बार जा रहा हूँ फ्लाइट में, तो गाइस अभी बस मैं एंटर ही करने वाला हूँ अपने प्लेन में। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी सीट मिल चुकी है, एंड ये है बाहर का व्यू, और ये हमारे मैंने थोड़े से पोस्ट। तो गाइस अभी फाइनली टेक ऑफ होने वाली है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल 100 पहुँच चुका है, और ये फाइनली टेक ऑफ हो चुके हैं। एंड अभी भाई मेरा एक्साइटमेंट लेवल पूरा 100 पहुंच चुका है, मतलब इतना खुशी हो रही है ना मुझे पहली बार जाके। मतलब भाई क्या ही नज़ारा आ रहा है ऊपर से, कतई मतलब मज़ा आ रहा मुझे तो ये नज़ारा देख के। और इसके बाद मुझे आ गई थी काफ़ी गहरी नींद, क्योंकि रात के 3 बज चुके थे, और फिर मैं 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मुंबई पहुँच चुके थे। शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देश टर्मिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बाहर का तापमान 30 अंश सेल्सियस है। और फिर अपने बैग्स क्रैक करने के बाद मैं अपने मामू के घर जाके गहरी नींद में सो गया। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने मामू के घर, एंड 2 बज चुके हैं, तो 6 बजे पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट 4 घंटे तो मैं सोया। मैंने अभी हमें घूमने जाने का सोच रही हूँ, तो वहाँ से जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस दिस व्यू, मतलब यहाँ से व्यू बहुत ही तगड़ा है, एकदम मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। मतलब वो एक बीच है, मतलब मेरी टाइप बीच कुछ है। एंड गाइस यहाँ से मतलब ग्रीनरी देखो कितनी, मतलब ऑल अवेयर देयर इज ग्रीनरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।